जहीना लाखू 12 का स्टूडेंट्स एज यू नो आवर चैप्टर नंबर 2 रनिंग चैप्टर नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। हम चैप्टर नंबर 2 में फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, उसकी मेथड, उसकी जो है प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो एंथर है, उस एंथर की स्ट्रक्चर, हमने यस्टरडे हमने एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, और एंथर की स्ट्रक्चर में जो उसकी फोर लेयर्स होती किस प्रकार बनती है, ठीक है, वो हमको हमने उसकी फोर लेयर्स के बारे में स्टडी किया। एंड देन टुडे वी स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। जो एंथर है उस एंथर के अंदर किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। एंथर होता है इस प्रकार से, ठीक है, जो कि क्या होता है फोर, जिसमें क्या होते हैं फोर पोलन चेम्बर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से फोर पोलन चेम्बर होंगे, और फोर पोलन चेम्बर्स के अंदर ये पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से डेवलप होते हैं। तो हाउ डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स वी स्टडी टूडे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो फोर चेम्बर पोलर जो एंथर्स की फोर लेयर्स होती है, वो फोर लेयर्स के सबसे इनर अंदर के साइड की जो इन साइड वाली स्पोरोजिनस लेयर्स होती है, स्पोरोजिनस लेयर की जो सेल्स होती है, स्पोरोजिनस लेयर की सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनाती है। स्पोरोजिनस लेयर्स की सेल माइटोटिकली माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू बहुत सारी या न्यूमरस सेल्स बना लेती है। इन सेल्स को हम कहेंगे पोलन मदर सेल्स, ठीक है। ये जो पोलन मदर सेल्स होती है, इट इज़ अ बेबी सेल्स एंड बाय द न्यूट्रिशन इट पोलन मदर सेल डेवलप्स एंड गेट इन देन बिकम लार्ज एंड मेच्योर। ये क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड प्राप्त करके बड़ी हो जाती है और मेच्योर हो जाती है, ठीक है। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, जो पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल फंक्शनल होती है, मतलब कि क्रियाशील होती है। सम पोलन मदर सेल इनएक्टिव, कुछ पोलन मदर सेल इनएक्टिव भी होती है। जो फंक्शनल पोलन मदर सेल है, फंक्शनल पोलन मदर सेल्स एक्चुअली क्या होती है, टू एन होती है, मतलब कि हाइब्रिड होती है पहले, ठीक है। डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है मियोटिकली डिवीजन करके, ठीक है, मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या हुआ, फोर न्यूक्लियस में क्या होता बनाता है। तो एक न्यूक्लियस से यहाँ पे फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। ये पहले डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाए। ये जो फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है, जो सेल्स है, जो एक सेल है जिसमें फोर न्यूक्लियस है, वो क्या होता है एक विशेष स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू इस प्रकार से क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होती है, चार सेल्स एक साथ क्या होती है होती है, जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये स्पोर टेट्राहेड्रल, मतलब कि चार स्पोर्स एक साथ क्या होंगे, इसमें डेवलप होंगे। तो फोर न्यूक्लियस के थ्रू फोर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या स्पोर टेट्राहेड्रल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्पोर टेट्राहेड्रल के बाद क्या होगा, स्पोर टेट्राहेड्रल में डेवलपमेंट होगा, और स्पोर टेट्राहेड्रल के जो चारों स्पोर्स होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इस प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चार जो है, इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है पोलन सेक के अंदर। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बन गए, तो माइक्रोस्पोर्स का बनना ही क्या होता है, माइक्रोस्पोरजेनेसिस कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में इस प्रकार से होती है, पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले इनर जो है वो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और ये जो लेयर है, ये लेयर क्या होती है, स्मूथ लेयर है, इट इज कॉल्ड इनर इंटाइम, इसे इंटाइम कहेंगे, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि स्पाइन होती है, ठीक है, कांटेदार होती है,
जिसे एक्साइड है, एक्साइड कहते हैं ड्राई और स्पाइनल होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आता है, जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें एक या दो क्या आते हैं, जर्म पोर होते हैं। ठीक है, ये जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर के थ्रू इन जो इंटाइन होती है वो इंटाइन जर्म पोर के थ्रू बाहर निकल के पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, जर्मिनेशन होगा, तो इसका पोलन ट्यूब यहाँ से काफी बाहर निकलती है। ओके, इस प्रकार क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर होगी और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हमने यहाँ पे देख ली है। इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड HW, लर्न करना है आपको। जय हिंद।